কে খাবে ট্রিটি, কে খাবে ট্রিটি, ট্রিটি খাবে, কে খাবে ট্রিটি, কে খাবে না। Hey guys, good morning. Welcome back to Mommy and Flurry Tale and welcome back to the wrestling match between Flurry and Kiara. एकदम cloudy weather है and I don't like this weather much today क्योंकि आज मुझे करना है बहुत सारा काम और जब भी weather इतना cloudy होता है तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, कुछ करने को मन नहीं होता है। But आज वो सब बहाना नहीं चलेगा। Today we are having two guests at home. Simple सा ही खाना बनेगा जैसे घर पे बनता है, but फिर भी एक दो item तो थोड़ा special होगा। मैं बता दूँ, आज हमारा anniversary भी है, आज है 20th of January, but इस बार हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, no celebration at all. दीपांजन का ऑफिस भी है तो उसको लॉग इन करना है, तो कोई प्लान हो ही नहीं सकता। देखेंगे वीकेंड में कहीं अगर डिनर पे जा रहे हैं, वो तो बात की बात है। खुशी है कि आज दो बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट आ रहे हैं। दोनों ही गेस्ट हमारे बच्चे को बहुत पसंद है और उनको भी हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। आप लोगों के साथ पूरा पूरा दिन शेयर करूंगी, बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा एनर्जी बचा के रखो। हेलो 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 हेलो, डोंट गो बाय कियारा'स इनोसेंट फेस, देयर इज अ बिग शैतान बिहाइंड इट, बिग बिग शैतान। एनर्जी बचा के रखो मामा। हाँ, गेस्ट कैसे हो जबे हैं। मैं कुछ देर में फिर से वापस आती हूँ, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट खत्म करके फिर आप लोगों के साथ बाकी का पूरा दिन शेयर करती हूँ। इधर फ्लरी बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्लरी को हमेशा चाहिए कि मम्मी जहाँ पे है वो क्लोज बाई रहे, ताकि उसको पता रहे कि मम्मी क्या कर रही है और घर से बाहर तो नहीं जा रही है, क्योंकि उसको बहुत परेशान तब होती है अगर मम्मी घर से बाहर गई तो। अब पापा जा सकते हैं, मम्मी घर से बाहर नहीं जा सकती है, तो इसलिए वो मम्मी को हमेशा अपनी आँखों के पास रखती है, तो इधर ही बैठी हुई है। एक्चुअली ये डैडी का ट्रेनिंग है। क्या ट्रेनिंग है? He always keep an eye on your mom. No, 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 no. क्या रहे? क्या 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 रहे? क्या रहे? क्या रहे? Wow. आज के मेनू में one of the items is this duck egg curry. और एक non-veg item भी बनेगा. उसके साथ simple दाल और धनिया पत्ता. कोरिएंडर लीव्स के पकौड़े और देखती हूँ कितना कोरिएंडर लीव्स है उसको, अगर ज्यादा है तो और कुछ नहीं बनाऊंगी, अगर कम है तो थोड़ा सा उसके साथ पापड़ फ्राई कर लेंगे। ये कोरिएंडर लीव्स के पकौड़े मुझे बहुत पसंद होते हैं। हाँ, वो विंटर के टाइम बहुत अच्छा भी लगता है दाल के साथ। तो गेस्ट आ रही है, उसने बोला है एकदम सिंपल खाना बनाना, तो मैं सिंपली बना रही हूँ, बस एक के जगह दो नॉनवेज आइटम्स बना रही हूँ। सही है, सही है। यहाँ पे फ्राई हो रहा है आलू और ये आलू जाएगा चिकन में। हम चिकन में खाते हैं आलू, जो कि बहुत लोगों को नापसंद है बट हम लोगों को खास करके बहुत पसंद है। अनियन, जिंजर, गार्लिक पेस्ट और ये दिख रहा है मुझे ड्राई वेज चिलीज, और ये अभी पकेगा थोड़ी देर तक और ये तब तक अपने आप को खुश कर रही है इसके स्मेल से। और इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि इसको जब कोई काम नहीं होता तो इधर ये भौंकते हैं या फिर इसको दीदी को परेशान करना होता है। सुबह से चल रहा है दोनों का रेसलिंग। और देखो वो देखो,
नहा धो के हम सब रेडी हो गए हैं, अब बस वेट चल रहा है दोनों के आने का। और पापा यहाँ पे लंच कर रहे हैं, क्योंकि पापा को लेट तक इंतज़ार करवाने का कोई मतलब नहीं बनता, उनको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, दादा का तबीयत थोड़ा ख़राब है। आ रही है चोइती दी और ऐश्वरी, एंड हाउ कोइंसिडेंटल इज़ दिस, नीदर वी टोल्ड देम दैट टुडे इज़ आवर एनिवर्सरी, मंडे सडनली शी कॉल्ड एंड सेड दैट वेंसडे इफ यू गाइस आर फ्री विल कम ओवर। कोई प्लान नहीं था आज का, और मुझे लगा तो अच्छा ही होगा क्योंकि आज वैसे भी हम तो कुछ करने वाले थे नहीं, दीपांजन का भी ऑफिस है, तो एटलीस्ट अगर वो दोनों आ जाते हैं तो थोड़ा अच्छा खाना बनाने का भी एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा और अच्छे से टाइम भी बिता पाऊँगी। तो खाने में जो भी बन रहा था वो तो मैंने शेयर कर दिया क्या क्या है आज के मेन्यू में, उसके साथ लास्ट मिनट का जो सलाद और वो जो पकौड़े फ्राई करना है वो बस वो लोग आने के बाद फाइनली वो भी रेडी हो जाएगा फ्रेश फ्रेश। तो अभी पापा कर लेते लंच, और पापा बोल रहे हैं कि आइटम्स अच्छा बनाए। हाँ पापा अभी खा रहे हैं अंडा करी, खूब भले हो चे, मतलब अच्छा बना है। एक ही चीज़ मिसिंग है आज, मैं थोड़ी सोची थी कि चटनी बनाओ, बट चटनी और नहीं बना, मैं भूल गई थी एक्चुअली, बट मिष्टी दही है उससे काम चलाएंगे। दीदी ऐसे चे, पीपी ऐसे चे, पीपी हम नहीं चिली। हाँ हाँ, कुछ बाबरे पागल हो गई है क्यों? और बैठ ले तो दो, सांस तो लेने दो। हाँ हाँ, क्या नहीं चिली 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 ची, यार नहीं ची, नहीं चिली चिली, चलो 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 तो फाइनली हमारे गेस्ट आ चुके हैं, अभी और गेस्ट नहीं है, खाना भी शुरू हो गया खाना भी शुरू हो गया क्योंकि काफी लेट हो गया है, तो पहले खाना खा लो फिर आराम से बैठ के गप्पे मारेंगे। हाँ क्या फिर केक भी खा? हाँ आज पापा ने सरप्राइज कर दिया, पापा कुछ और काम के लिए निकले थे और इतना बड़ा सा केक लेके आए हैं। मुझे मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि पापा को याद रहेगा, पापा इज़ वेरी बैड विद डेट्स, बट आज पापा को याद है और पापा केक लेके आए हैं, वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी। तोड़ कोई आइडिया नहीं है अभी अभी मोना का सवाल है कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे क्यों बताएंगे, इसीलिए तो नहीं बताया। तो मैं बहुत खुश थी जब भी पता चला कि दीदी भाई आएगी, तो मुझे लगा चलो अच्छे से दिन को बिताऊंगी, क्योंकि ऐसे भी इसने तो कुछ प्लान नहीं बनाया था इसका। तो मैं तो इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकती, बहुत बुरा किया, मैं मारूंगी उसको। क्यों समोसा नहीं खाते? गुड इवनिंग। छोटे बच्चे समोसा नहीं खाते, नहीं खाते समोसा। यू डोंट ईट समोसास। आई नो यू डोंट ईट समोसास मामा, यू डोंट ईट समोसास मामा, आई नो। गुड इवनिंग। तो कैसे टाइम जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, देखते देखते 6:30 हो गया, ये चिट चैट का भंडार कभी खत्म नहीं होता है। स्टॉप, इमोशनल हो रहा हूँ। क्यों हो रही हूँ? मैं हिंदी में कोई बात नहीं, अच्छी नहीं बात नहीं हूँ। यहाँ आने से दीदी क्या होता है, ये फीलिंग्स होता है, क्योंकि भैया और भाभी, मैंने भैया के वो भाभी बोलते हैं, इतना प्यार क्या बोलूं। मैं जब बचपन में मामा के घर या मासी के घर जाती थी, तो मेरे मामी या मासी के जितने भी हील शूज, नेल पॉलिश, लिपस्टिक्स, वो सबसे पहले सजने संवरने की जो भी चीज होता, जो ड्रेसिंग टेबल में होता था, वो एक एक बार तो ट्राई करके ही आती थी। डर लगता था मम्मी के चीजों में हाथ लगाने में, बट मासी और मामी के चीज हमारे ही थे जैसे। बट इसको देखो
इसको डांट डांट के बोलना पड़ रहा है कि पहनो, ये कलर बहुत अच्छा भी लगेगा उसके नेल्स पे। It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. तो पीछे है वो केक जो आज पापा एज अ सरप्राइज लेके आए हैं, और कुछ पता नहीं था देखो, बट कैसे होता है कि जो दिल से चाहो वो हो जाता है, ऐसे केक आएगा ये भी पता नहीं था, फिर इन दोनों का भी साथ मिल गया। अभी जब हम केक कटिंग करेंगे तो ये दोनों भी साथ है, और चलिए केक कटिंग करते हैं, और ज्यादा बकबक नहीं करते, दिन खत्म होने वाला है, एनिवर्सरी खत्म होने वाला है। तुमने मुझे हैप्पी एनिवर्सरी भी नहीं बोला अभी तक, बाय द वे हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary. And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. अच्छे टाइम हमेशा जल्दी खत्म हो जाता है, तो हो गया अड्डा खत्म, और दोनों आए हैं पीपी को सी ऑफ करने, बाय, बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, फिर से जब भी ऐसे होता है फिर लगता है कल फिर से आऊंगी। कल तुम लोग आ जाना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मम्मी एंड फेरी टेल, और मेरा भाई का भी एक चैनल है ब्लॉग करी भालोबेसे, देखना मत भूलिए। They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna die.